Hi everyone, welcome back to my channel. This is me, Shimangi, and today I'll be sharing this makeup look. And इस makeup look को मैंने specially college going girls and teenager को focus करते हुए create किया है, तो इसे मैंने बहुत ही light, simple and subtle रखा है. So if you wanna know how I have created this makeup look, then stay tuned. And before that, please subscribe my channel if you are new to my channel and press the bell button as well so that you get notified every time I upload a video. And now let's start the video. एंड येस इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए जो भी मेकअप प्रोडक्ट मैंने यूज़ करे हैं वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिए हैं, तो प्लीज़ चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ़ यू वांट टू ट्राई और इफ़ यू वांट टू बाय दोज प्रोडक्ट्स. एंड येस, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं आप वही यूज़ करो, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसे यूज़ करके इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हो. तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू क्लीन आवर फेस, एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कामा का रोज़ वाटर. ये बहुत ही माइल्ड और जेंटल है स्किन पे, और टीनेज के टाइम पे ऑयल फॉर्मेशन ज़्यादा होती है स्किन में, तो एक्सेस ऑयल को रिमूव करने के लिए आई एम गोइंग टू क्लीन माई फेस यूजिंग दिस कॉटन पैड एंड दिस रोज़ वाटर. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माई स्किन, एंड मॉइस्चराइजिंग हमें कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे हमारे स्किन का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहता है. मैं यहाँ पर बायोटिक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ टू मॉइस्चराइज माई फेस. आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर स्किन क्रीम यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पतंजलि एलोवेरा जेल. आपके पास जो भी अवेलेबल एलोवेरा जेल हो आप उसे यूज़ कर सकते हो. इसे मैं एज अ प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. ये हमारे मेकअप को काफ़ी टाइम तक स्टिक करके भी रखेगा एंड हमारे स्किन को भी काम डाउन करेगा. बट मेक श्योर आप इसकी बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी लें, क्योंकि अगर आप इसकी ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो ये आपके मेकअप को और या आपके बेस को बहुत ही केकी या लेयर टाइप का शो करने लगेगा. मैं बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी लेकर के इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करके मसाज करूँगी. जब ये मेरी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे से, देन आई एम गोइंग टू यूज़ बीबी क्रीम. बीबी क्रीम आप अपनी चॉइस की या अवेलेबिलिटी के हिसाब से कोई भी लैक्मे सीसी क्रीम या बीबी क्रीम यूज कर सकते हो. एंड मैं ये बीबी क्रीम यूज कर रही हूँ मेबलिन की. इसमें मेरा शेड है नेचुरल 02 और इस क्रीम में ऑलरेडी सनस्क्रीन मिक्स है, तो हमें इसे अप्लाई करने से पहले कोई भी सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है. मैं इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ऑन बैक ऑफ माई हैंड लेकर के इसे डैप डैप करके आई विल स्टार्ट अप्लाइंग इट टू माई पिगमेंटेड एरिया. दैट मीन्स मैं अपने आईज के आसपास से अप्लाई करना स्टार्ट करूंगी और इसे फिर पूरे फेस पे डैप डैप करके अप्लाई कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट ऑफ यूजिंग माई फिंगर टिप्स. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मिस क्लियर फुल कवरेज कंसीलर, एंड इसे यूज़ करके मैं जो भी मेरा पिगमेंटेड एरिया है उसे मैं हाइड करूँगी. एंड ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है, आप अगर चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो क्योंकि टीनेज टाइम में कोई भी डार्क सर्कल्स एज सच नहीं होते. बट येस, यू कैन यूज़ दिस कंसीलर टू हाइड योर एक्ने स्कार्स और जो भी पिगमेंटेशन है आपके स्किन में उससे आप इसको यूज़ करके हाइड कर सकते हो. क्रीम बेस में है, आई एम यूजिंग माई फिंगर टिप्स और इसे मैं डैप डैप करके अंडर आईज पे लगाने वाली हूँ. एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस मिस क्लियर ब्राउ पेंसिल, एंड इसे यूज करके मैं अपनी ब्राउ को जस्ट शेप दूंगी एंड फिल इन करूंगी लाइक दिस. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस लैक्मे लूज पाउडर टू लॉक माई बीबी क्रीम एंड कंसीलर, एंड इसे यूज करने से हमारी बीबी क्रीम और कंसीलर मेल्ट नहीं होंगे, केक ही नहीं होंगे. एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस मेबलिन फिट मी ब्लशर एंड दिस ब्लशर ब्रश ऑफ कलर बार, एंड इसे मैं जस्ट अपने एपल ऑफ चीक्स पे अप्लाई करूंगी लाइक दिस. This step is totally optional. If you wish, then you can consider this step. Else, you can skip it as well. मैं same blusher use कर रही हूँ. Fit Me का pink सा blusher है. इसे use कर रही हूँ with the help of this brush. I'm going to apply it on my upper eyelid and इससे apply करके मैं अपने eyes को या अपने makeup को एक soft look दूंगी. आपको इस तरह से लेना है. थोड़ा सा blusher, extra dust off कर दीजिए. And आपको यहाँ पर रखते हुए ये
जस्ट रफली पूरे आईलेट पे अप्लाई कर लीजिए। मेरे पास स्विस ब्यूटी का ये आई शेडो पैलेट भी है, ये बहुत ही अफोर्डेबल है। इसके प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप मेरा स्क्रीन देख लीजिएगा प्लीज। इसमें से अगर आप पिंक शेड के साथ नहीं जाना चाह रहे हो तो आप इसमें से ये ब्राउन शेड भी पिक कर सकते हो, ये ब्राउन शेड भी पिक कर सकते हो, और ये भी बहुत ही न्यूट्रल सा कलर है। ये भी मैं आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ, आपको जो भी पसंद हो आप दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो या दोनों को ही स्किप भी कर सकते हो। एंड नाउ यू कैन सी, एक पे मैंने ब्राउन अप्लाई किया आई शेडो जो कि बहुत ही नेचुरल और स्किन से ब्लेंड होता हुआ है, और एक पे मैंने ब्लशर पिंक सा अप्लाई किया है जो कि बहुत ही सॉफ्ट सा लुक दे रहा है, एंड देन टू सेम देयर नेचुरल सा भी है। तो आपको दोनों में से जो भी पसंद हो आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपसे आई शेडो का भी ऑप्शन शेयर किया है, तो अगर आपको पसंद हो तो आप इसे ऐड कर सकते हो अपने मेकअप रूटीन में, एल्स यू कैन टोटली स्किप इट। नेक्स्ट फॉर काजल आई एम गोइंग टू यूज कलर बार काजल। मैं इसे सिर्फ अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी, वॉटर लाइन पे अप्लाई नहीं कर रही। मस्कारा, आई एम गिविंग यू टू मस्कारा ऑप्शन, बोथ आर ऑफ मेबलिन। एक है मेबलिन लैश सेंसेशनल एंड अनदर वन इज मेबलिन पुश अप ड्रामा। जो भी आपको बेटर लगे आप कोई भी यूज कर सकते हो। मेबलिन लैश सेंसेशनल यूज कर रही हूँ। एक्सेस रिमूव करने से आपके लैशेस पे या मस्कारा अप्लाई करते टाइम कोई भी क्लम्प्स नहीं पड़ेंगे। तो फॉर लिपस्टिक्स आई हैव टू ऑप्शंस अवेलेबल विद मी। वन इज ऑफ मेबलिन, ये है, इसका शेड है रॉक द कोरल। ये भी बहुत ही प्यारा सा पीच सा शेड है एंड ये जस्ट 299 में आपको मिल जाएगी। ये बहुत ही अफोर्डेबल भी है एंड लास्ट भी बहुत अच्छा है, इसका टेक्सचर भी अच्छा है। एक आप इसे ये कंसिडर कर सकते हो मेबलिन। एंड दूसरा ऑप्शन जो मेरा बहुत फेवरेट है ये है शुगर की लिपस्टिक, और इसमें मेरा शेड है होली गो लाइटली 04, मैंने शेड पिक किया है। बहुत ही प्यारा नेचुरल सा शेड देती है, बहुत टाइम तक लास्ट करती है, बहुत कंफर्टेबल है एप्लीकेशन में, ड्राई आउट नहीं करती है आपके लिप्स को। एंड ये बट थोड़ी सी कॉस्टली है, आई बिलीव ये 799 या फिर 699 समथिंग कुछ करके है। तो आप दोनों में से जो भी आपको पसंद हो कोई भी शेड पे आप जा सकते हो। लास्ट में एक मैं आपसे एडवाइस या फिर आप इसे ब्यूटी टिप भी कह सकते हो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। आप इस तरह का कोई भी फेस मिस्ट अपने बैग में कैरी कर सकते हो, सो दैट जब भी कभी आप इसके आपकी स्किन बहुत ही डिहाइड्रेटेड या फिर ड्राई फील कर रही हो तो इसे आप अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर सकते हो और आपकी स्किन वापस से रिफ्रेश और री एनर्जाइज हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल or if you have not subscribed yet, and press the bell button as well so that you get notified every time I upload a video. And now I will see you in my next video. Till then, take care and bye.